रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का मसालेदार बोनलेस चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने पैन लिया तो ये हॉट हो चुका हुआ, इसकी मैंने फ्लेम ऑन कर ली थी। अब इसमें डाल देती हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल। तो जो ही ये गर्म होता है तो इसमें मैं सबसे पहले अनियन फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं अनियन डाल देती हूँ चॉप किया हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। इसके बाद इसमें मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अनियन जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और मैंने इतना ही करना है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक तो वो फ्रेशली ग्राइंड डाल देती हूँ, और इसको एकदम छोटे का पीछे के साथ पानी का हल्का सा छिंका लगाएंगे, और इसको 3 से 4 मिनट तक छोटे कर लेगा। अब इसको मैं जिंजर गार्लिक और अनियन को 2 से 3 मिनट तक छोटे किया है। इसमें मैंने एक दो दफ़ा पानी का छिंका भी लगाया, तभी मैं टमाटर चॉप किया हुआ इसको डाल देती हूँ, और इसको हल्का सॉफ्ट होने तक 3 से 4 मिनट तक हम छोटे करते हैं। बिल्कुल जो पानी इसका रिलीज होगा टमाटर का, हम इसको इसमें गलने देंगे। फिर यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने कुक किया, तो टमाटर हमारे अच्छे गल चुके हैं। तब इसी स्टेज पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया, और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली का पाउडर यूज़ किया, और 1/2 टीस्पून जो वो हल्दी। तो ये इनके साथ स्पाइसेस के साथ हम इनको भून लेते हैं, ताकि हमारे जो स्पाइसेस इनका कच्चापन चला जाए, और मसाला भी हम तब तक भूने में जब तक इसका ऑयल इससे लैदा हो जाए। इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर का पाउडर, साथ में डाल देंगे क्यूमिन का पाउडर, और इसको 1-2 मिनट तक भूनते हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल इससे लैदा हो रहा है। तो इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, इसको 1-2 मिनट तक सोटे करते हैं, और अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन बोनलेस जो कि मैं लिया आपके। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी, ताकि जो चिकन का कलर चेंज हो जाए, और इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छा भूनती हूँ मसाले के साथ। ये देखिए यहाँ पे चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। तो जो ही ये पानी ड्राई होगा होपफुली हमारा चिकन भी इसी में गल जाए, तब भी हम इसको पानी ड्राई होने तक कुक करते हैं। पहले देखें जो पानी था चिकन का वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और हमारा चिकन भी इसमें गल चुका होगा। तो अभी इसको हम योगर्ट डाल के तकरीबन आधा कप, और इसको 3 से 4 मिनट तक हम जब तक योगर्ट अपना पानी रिलीज करेगा तो इसको ड्राई कर लेते हैं, और इसके बाद हम पानी ऐड कर लेंगे। पहले हम इसको भून लेते हैं योगर्ट को 3 से 4 मिनट। ये देखिए मैंने इसको योगर्ट के साथ अच्छी तरह से भून लिया, अभी और बिल्कुल इससे लैदा हो रहा है। तो इसी स्टेज में हम इसको डाल देंगे पानी हाफ का, जितना भी आपको चाहिए ग्रेवी आप उसी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ कप यूज़ किया, और साथ में मैं ये साबुत मेथी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, बहुत मज़े के लिए। और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़े का जो हमारा मसालेदार बोनलेस चिकन रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इतनी ही मुझे ग्रेवी चाहिए, तो चिकन में बहुत परफेक्टली गल चुके हैं। तो अभी इसको मैं हरे धनिए और गरम मसाले के साथ गार्निश कर देती हूँ, और इसको फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको गरम मसाला को गार्निश कर देती हूँ, इसको गरम मसाले के साथ गार्निश कर देती हूँ, और अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बोनलेस मसाला चिकन को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप कमेंट में मेरी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।